उद्घाटन था 2012 में हुआ था और उसके बाद 2017 में ये पुल डैमेज हो गया पूरी तरह से। अभी विभाग ने 62 लाख रुपए लगा के और इसकी CRI न्यू दिल्ली द्वारा लोड बियरिंग कैपेसिटी को नापा गया, वो बिल्कुल डैमेज घोषित कर दिया। अब 5 साल में ये पुल टूट गया बनने के बाद, तो मैं पूछना चाहता हूं विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की और उस समय कौन कौन अधिकारी थे। अब 5-5 साल में अगर पुल टूटने लगेंगे तो क्या हालत बनेगी? जो ब्रिज है उसका मार्च से पहले हम टेंडर करने का प्रयास करेंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में ही उसका टेंडर फ्लोट कर दिया जाए और उसका कंस्ट्रक्शन अगले साल के अंदर अंदर 2023 में हम कंप्लीट कर दे आपके 5 साल के टेन्योर के अंदर अंदर। तरावड़ी पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक ऐतिहासिक नगरी है और 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वहाँ जमीन भी है, कोर्ट से ऑर्डर हो रहे उसके छुटवाने के, प्रशासन का काम है, जमीन काफ़ी पड़ी उनके पास तो उसको छुटवा कर जल्दी बनवाया जाए। दोबारा से फिर तरौड़ी में इसमें रिवाड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2022 में घोषणा की है, जमीन उपलब्ध है नगर पालिका के पास, कोर्ट के आदेश हो रहे उसको छुटवाने की, तो वो शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए। अब पंचायती विभाग जो वीडियो को दिए गए, जो जिन्होंने टेबल लगाया पंचायती जो वो उसको देखभाल करा, वीडियो को या उसको पब्लिक हेल्थ को दिए जाऊं ताकि वीडियो थोड़ी उसकी देखभाल करा, पब्लिक वाले पे जावा तो वीडियो करेगा, वीडियो कहा तो पब्लिक हेल्थ खड़े करांगे, तो ये तो मतलब समस्या है। तो या तो पब्लिक हेल्थ को दिया जाए, वीडियो गलियां बनाएगा तो पब्लिक उसको लैंड को दबाएगा और उसके बाद मेंटेनेंस उसकी मोटर अगर बदलनी है ज्यादा खर्चा है तो पब्लिक हेल्थ करती है, उसका सिर्फ छोटा मोटा मतलब वायर वगैरह बदलनी है या उसकी मेंटेनेंस के लिए जो ऑपरेटर रखा उसकी तनख्वाह उसमें से दी जाती है। तो उसका टाइम फिक्स करो, कब तक करेंगे उसको? टाइम फिक्स कर दो ना, वापिस नहीं जाएगा ये तो पंचायत राज में रहेगा। तो आप या तो आप निर्धारित करिए कि पूरा जो उसमें खर्चा आएगा पूरा का पूरा वो सरकार की तरफ से पंचायत को दिया जाएगा, फिर तो फायदा है, नहीं तो पब्लिक हेल्थ ही अगर इसको यूज करे इस, मतलब काम करवाए पब्लिक हेल्थ के जरिए तभी हो पाएगा, नहीं तो ये जंजाल आपके सिर पे हमेशा के लिए बना रहेगा। कितने स्कूल हैं जिनमें टीचर्स नहीं है, मैं पूरी डिटेल्स लेके आई हूँ, मैं उन स्कूलों में भी जाके आई हूँ जहाँ जहाँ बिल्कुल टीचर्स नहीं है। हंसावास का तो ये हाल है कि सिर्फ मुख्य अध्यापक को छोड़ के एक भी टीचर वानी है। अभी पीछे ग्रामीणों ने स्कूल में ताला भी जड़ा था और बड़ी मुश्किल से स्कूल को खुलवाया है। फिर बाड़ा का राजकीय स्कूल है, यहाँ संस्कृत का टीचर नहीं है, दुधवा का है इसमें अंग्रेजी का टीचर नहीं है, घसोला में अंग्रेजी और SS दोनों, चांदवास, खोरड़ा, बलकरा, बेरला, सारे स्कूल जब से ये टीचर्स की पोस्ट कैप्ट की है ना अध्यक्ष जी तब से कोई टीचर वहां नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि प्लीज आप टीचर्स को भेजने का काम करिए, नहीं तो बच्चों का जो साल है ना वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। देखिए मैं इसकी दोबारा जानकारी लेकर बताऊंगा, लेकिन जो जानकारी है वो 4 है और 5 वहाँ है। नहीं ये जो बता रहे हैं कि 2 हंसवा कला एक है हंस कला में, मैं कह रही हूँ पिछले दिनों पूरे गाँव के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, स्कूल के लोग किए, स्कूल को हंसावास कला में हंसावास कला के सीवरेज के पानी या उपन जल भराव की वजह से किसी की मृत्यु ना हो। और इस पटल पे जब पूरा डाटा सही जानकारी ना हो बड़ा दुख होता है। जैसे मैं फरीदाबाद का ही एग्जाम्पल लूं, 4 आदमी QRG अस्पताल में सीवर में डूब के मर गए, उनका कोई वर्णन नहीं है। और इस सदन में मैंने कई बार मुद्दा उठाया, ना अस्पताल के पास ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट है, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, इनके जवाब में एक 501 नंबर FIR का जिक्र है डबुआ थाने का। अध्यक्ष महोदय ये 11 साल का मासूम बच्चा है, CM अनाउंसमेंट का काम था 2015 का, 2018 में ये वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ कि हाई मास्क लाइट वहां लगनी चाहिए,
देश की रक्षा सुरक्षा का मामला है। एयरफोर्स स्टेशन मात्र 60 मीटर की दूरी पे है, जबकि उस सुरक्षा की वजह से लोगों की जिंदगी पे तलवारें लटकी पड़ी हैं। ये वर्क ऑर्डर के संग हाई मास्क लाइट का पॉइंट चिन्हित था कि उस पॉइंट पे ये हाई मास्क लाइट लगनी चाहिए। बदकिस्मती से वो लाइट वहां से शिफ्ट कर दी गई। उसका भी जवाब मुझे इस सदन में मिला, अनस्टार्ड क्वेश्चन 46 नंबर, कि वो लाइट कहां शिफ्ट कर दी गई, पुराने विधायक के ऑफिस पे 55 नंबर सीरीज में 60 फुट रोड एमएलए ऑफिस। ये चीजें मैं विस्तृत में अध्यक्ष महोदय इसलिए बता रहा हूं, जवाब में मुझसे ये कहा गया मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन कि जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2022 तक कितनी डेथ हुई, उनका क्या हुआ, उनका क्या मुआवजा हुआ, उसकी जानकारी हमने एनेक्सर्स में दे दी है। ऐसे कोई इंडिविजुअल केस है तो उसके बारे में अलग से पूछ लें या मुझे समय दे दें, उसकी पूरी जानकारी लेकर मैं आपको बता दूं। आप देखिए करीबन 9 साल बीत गए, अभी तक आश्वासन ही मिल पा रहा है कि अभी आइडेंटिफाई होगी। मेरे से पहले बोलते हुए हमारे पड़ोस के जो विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव जी कह रहे थे ये आश्वासन की सरकार है, हमें तो आश्वासन भी अब तक नहीं मिल पाया कि ये कब तक बन जाएगा। अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक अनाउंसमेंट जो 9 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसके लिए लैंड एलोकेट हो गया था सेक्टर 20 रेवाड़ी के अंदर, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आपने ये नहीं कहा था ये आश्वासन की सरकार है? की सरकार नहीं है, नो, गलत कह रहे हो आप वही बोलो। ये अपने बोलना, आप अपनी बातों को चलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लीड करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से भी आश्वासन की सरकार है। वर्तमान में यह कॉलेज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी की बिल्डिंग में चल रहा है। कॉलेज के भवन निर्माण में देरी का मुख्य कारण जो है, सबसे पहले सेक्टर 20 रेवाड़ी में 10 अप्रैल 2017 को 5.32 एकड़ जमीन एचएसवीपी द्वारा स्वीकृत की गई। 20 12 2018 को इस कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई, परंतु विभिन्न कारणों से स्वीकृत भूमि को 5.32 एकड़ से घटकर 5 एकड़ कर दिया गया, जो 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड पर आधार पर 100 रुपए प्रति वर्ष पर आवंटित किया गया था, जिसको बाद में 2/7/2021 को एचएसवीपी द्वारा पूरी भूमि को वापस ले लिया गया। विभाग द्वारा 16/11/2021, 31/1/2022, 4/3/2022 को उपायुक्त रिवाड़ी को रिमाइंडर भेजे गए कि कॉलेज के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। के जो पंचायत की भूमि है वो पंचायत भूमि डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर हो, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं इसमें भुगत भोगी हूं, 5-6 साल से मेरे 2 हॉस्पिटल है, 3 साल से मैं हर सेशन में उसको उठा रहा हूं, वो सिर्फ इसी बात से फाइल चक्कर काट रही है। पहले थे वो बने हुए उस भूमि पे, लेकिन वो भूमि डिपार्टमेंट के नाम नहीं है, उसको ट्रांसफर करने के लिए वो 5-6 साल से कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है, पंचायत की वो भूमि है, ये भूमि भी पंचायत की है। इसके अंदर आप एक कंडीशन लगाते हैं कि नाम ट्रांसफर होए, नाम ट्रांसफर होने में इसको उसी तरह यदि अगर 5 और 6 साल लगेंगे तब तक उस भूमि के ऊपर जो है कोई न कोई कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो भूमि खाली करवा दी गई है। इसमें जो जानकारी दी गई थी कि ये जमीन जोहड़ की खसरे की है, पर उसके बाद जानकारी 21/12/2022 को जो जानकारी मिली है ये जमीन क्लियर है और ये अपने जो जमीन है ये कुएं तालाब की नहीं है जोड़ की, ये पैदावार जमीन है और इसके लिए पट्टे के लिए जमीन हमें 33 साल के लिए पट्टे पर दे दी 1 रुपए के प्रति एकड़ के हिसाब से। हम जल्दी इसकी मार्च में चालू करा देंगे और जल्दी इसका पैसा करा के जल्दी करा देंगे राय जी को, अब परेशानी नहीं होगी। कि आदमपुर हल्के में पीने के पानी की बहुत ही भयंकर और गंभीर समस्या है और काफी समय से पूर्व विधायक श्री कुलदीप जी भी अपनी व्यवस्था से यहाँ पानी का टैंकर भिजवाकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस जमाने में भी, इस युग में भी मेरे हलके में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जवाब में मैंने पढ़ा कि सदलपुर गांव के अंदर
वाटर वर्क्स का प्रावधान है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि इसका कार्य कब शुरू होगा। उत्तर में मैंने ये भी पढ़ा कि चंदनगर के अंदर वाटर वर्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, जिसको पढ़कर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मेरे हलके के अंदर अगर कोई सबसे पिछड़ा गांव है तो चंदनगर का है। वर्तमान में आदमपुर मंडी में पेयजल आपूर्ति तीन नहर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से की जा रही है। आदमपुर कस्बे में पेयजल की स्थिति 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और 116.36 किलोमीटर पाइपलाइन के नेटवर्क के साथ शहर का 90% क्षेत्र वितरण प्रणाली से कवर किया गया है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। पेयजल आपूर्ति के 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाएगा और नए घोषित शहर को सीवरेज सिस्टम से कवर किया जाएगा। 20/7/2022 को 30,17,00,000 रुपए की जलापूर्ति प्रणाली के 99 की विस्तारित परियोजना रिपोर्ट की प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया है। जलापूर्ति व्यवस्था के कार्य के टेंडर प्रक्रिया अधीन है। स्वीकृति पत्र जारी होने के 2 महीने के भीतर ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा। करोड़ों दिलों में जगह, इसकी बहुत ही ताकत होती है। ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अंत्योदय स्कीम को लागू किया, जो 1,80,000 से कम आय वाले परिवार थे उन्हें आगे लेकर आए, जिन्हें चिरायु कार्ड दिए गए, जिन्हें बीपीएल में जगह दी गई। कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वैसे तो हमेशा वही लोग आगे रहते हैं जो आगे आगे रहते हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो असली हकदार है उसको असली हक दिलाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही। ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। कि वर्स्ट कंडीशन इन द स्टेट अगर कहीं है तो उन रोडों की है, और जो एक बार नहीं अनेकों बार मैं सदन के अंदर उठा चुका हूं, तो मेरा निवेदन है सरकार से कि उन रोडों पर ध्यान दिया जाए ताकि नेशनल लॉस और लाइफ लॉस को बचाया जा सके। अध्यक्ष जी, हमारे यहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल वे में किसानों की जमीन गई थी, जिसका लगभग 2-3 साल से मुआवजा नहीं मिला है। 1800 करोड़ रुपए मुआवजा मिलता है, उसमें 25 गांवों के किसान हैं, वो बहुत अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, वो मुआवजा उनको दिलवाया जाए। स्पीकर सर, ये विषय है कि जो पुश्तैनी जमीनें जिनकी दरिया बुर्द और बरामदगी के कारण शामला दे में दर्ज हो गई हैं, उनको मालिक होते हुए भी आज तक उन किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। अगर मैं केवल करनाल जिले की बात करूं तो लगभग 18 गांव इसमें ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, और उसमें 5,000 से 6,000 छोटे किसान जो हैं वो इसके अंदर हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, गुड़गांव में अत्याधुनिक अस्पताल जिसकी बिल्डिंग टूट गई है, वो उसका जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि वो शिलान्यास रख दें। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी, पिछले दिनों भारत के एक बहुत बड़े अखबार समूह द्वारा हरियाणा में एक सड़क सुरक्षा को लेकर एक महाअभियान चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ हर क्षेत्र के विशेष लोगों के ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, इस स्थापित अखबार समूह के द्वारा प्रदेश के 22 जिलों में लगभग 6,500 किलोमीटर प्रमुख सड़कों पर सड़क विशेषज्ञों के साथ मिलकर सर्वे किया गया, और इस सर्वे की रिपोर्ट के से आप सभी हैरान करेंगे कि 218 प्रमुख सड़कों पर 255 बॉटल नेक हुए हैं और 370 दुर्घटनाएं संभावित हुई हैं, 1,013 अवैध कट हुए हैं और 104 सड़कों पर रोशनी नहीं है और 725 जगहों पर सड़कों के डिजाइन में कमी है। माननीय अध्यक्ष, ये वाकई बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर यह आंकड़ा वास्तविक है तो हमें इस पर सचेत होकर कुछ काम करना चाहिए और आवश्यकता है, और क्योंकि हर साल हरियाणा में 5,000 से ज्यादा लोगों की दुर्घटना उसमें बताई गई है चली जाती है, तो हमारे ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी, इस बात पर एक वैज्ञानिक टीम गठित करें और वास्तविकता का पता लगाकर सही दिशा के अंदर काम करें। नशे की समस्या से ये सदन, मैं मानता हूं सभी लोग वाकिफ है यहां पर, और 14वीं विधानसभा के हर एक सत्र में तकरीबन खास करके सिरसा जिला और डबवाली विधानसभा के विशेष रूप से भयानक रूप धारण कर रही है समस्या के बारे में बात रखते हुए मैं एक मुख्य मांग उठाता आया हूं कि डबवाली विधानसभा को कालामाली के साथ जोड़कर जिला या पुलिस जिला बनाया जाए।
सभी तथ्य जो हैं इसके हक में है। मंत्री जी कहते हैं यूरिया की कोई कमी नहीं है, डीएपी की कोई कमी नहीं है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब कमी नहीं है तो इसका मतलब आप कालाबाजारी करवा रहे हैं, क्योंकि कालाबाजारी हो रही होगी जब कमी नहीं है फिर भी लोग लाइन में लगे हुए हैं और उनको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। दूसरी बात अध्यक्ष जी, आप बाजरे की जो है एमएसपी जो थी हमारी 2300 थी, 2350, लेकिन हैफेड के जरिए जो है 1860 या 50 ऐसे जो है खरीदी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि भवंतर योजना के तहत हमारे किसान भाई, जो हमारा हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, उसके तहत जो है उनकी भरपाई करी जाएगी या नहीं करी जाएगी। गन्ने के भाव के बारे में आप देखिए, आप अध्यक्ष महोदय विषय पर अगर रहेंगे तो कुछ चर्चा हो सकती है। जब कभी किसी को दिखास की बीमारी लगती है ना, दिखास की, तो ये सीन उपलब्ध होता है। अब इनको लगता है कि एक चीज पर तो बात हो नहीं रही, वो आपने रिजेक्ट कर दिया, अब उसकी आड़ में ये हमारा ये नहीं लिया, हमारा ये नहीं लिया, हमारा ये नहीं लिया, हमारा नहीं, दिखास की बीमारी है, हमारा क्या है, ये दिखास की बीमारी है कि हम किसी तरीके से हमारा क्या है और हमारी बात आगे जाती रहे। आज विषय था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आप बोलो फिर मैं बोलूं, चर्चा करनी की नहीं करनी, सब जुड़ी इसका विषय है, आपने उसका निर्णय दे दिया। दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, उसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई और अब ये शुरू कहेंगे हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया, जबकि अध्यक्ष महोदय ये बता चुके हैं कि एक दिन में 2 से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो नहीं सकते। अब इसके बाद अगर 36 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डालेंगे उसमें से तो कोई अर्थ नहीं है, इसलिए जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर चर्चा आप कराएं और बाकी इधर की उधर की चर्चा का कोई महत्व नहीं है। आप मुझे ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि सब जुडिशियल मामला है, इसमें डेट कौन सी डाली वो देखना एक बारी, किसमें, इसमें ऑर्डर में 22/22 आज कितनी तारीख है, एक मिनट, आज कितनी है, 28, 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, सोए हुए थे इसके ऊपर चढ़ा रखे तुमने, है ये जो इसका जवाब है, ये इसके ऊपर जो लिख रखा है तुमने, ये पोर्टल पे चढ़ा रखा है, तुम 6 दिन से सो रखे थे, क्या काम कर रहे थे विधानसभा, 6 दिन से थोड़ी होगा, तो आज ऑर्डर 22 तारीख का है। अब इसको अब अभय सिंह जी मैं बता दिया कि मामला सब जुडिस है, इसको नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये रात को 12 बजे चढ़े, आप 12 बजे का चढ़े हुए सोए हुए थे क्या, ठीक है, 6 दिन से क्या कर रहे थे। जगदीश नायर जी, सर नोट, अध्यक्ष महोदय हैव सम पेशेंस टू लिसन टू मी, देन व्हाट एवर यू वांट टू रिएक्ट यू रिएक्ट। हां जी, आज मामला डिफरेंट है, कॉलिंग अटेंशन है, कॉलिंग अटेंशन टेबल पे आ गई और डिप्टी स्पीकर साहब ने कह दिया अब चौटाला पढ़ेंगे, उसके बाद यू आर स्टॉप। मैंने कहा मैं तो बीच का रास्ता बता रहा था, मैं इसलिए मगर इनको पढ़ने दो, लेट द गवर्नमेंट रिप्लाई की सब जुडिशियल विश्वास से अभी देते बेटर है, वो भी मान लेंगे क्या रहे, नहीं नहीं नहीं, जब डिस्कस हो ही नहीं सकता, पढ़ा जा ही नहीं सकता, वो भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि ये अनाउंस करने के बाद उसको रोक दिया जाए, ये तो हो सकता है, नहीं तो पहली दफा देखा है भाई, जब हमारे पास सूचना मिल गई, 9वीं टर्म है, जब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, नहीं देखिए पहले ऐसा कर देखा मैंने, हाँ हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि रिप्लाई आया हो, मतलब मजाक बना रखा है, कोई बात का कोई नहीं, ये जो जानकारी किसी, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का रिट नंबर बता दो, खाली नंबर है, नेचर ऑफ रिट बता दो कौन सी है, नेचर ऑफ रिट बता दो कौन सी है, नहीं एक, हाँ जी स्पीकर सर, एक मिनट स्पीकर सर, ये तो जो जानकारी दी है, एक मिनट सुनो, मैं ना आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए वॉकआउट करके जा रहा हूँ। आप जिस ढंग से हाउस चला रहे हो, जो तरीका आपने अपना रखा है, ये तरीका प्रजातांत्रिक नहीं, ये तानाशाह तरीका है, इस तानाशाह तरीके के खिलाफ मैं वॉकआउट करके जा रहा हूँ। चलिए अब एक मिनट का, कल इन्होंने जवाब दिया, क्या कहा कि भाई एक भी आदमी किसी एमएलए का रिश्तेदार दिखा दो इसमें कौशल रोजगार योजना में, हाँ। भाई इसका मतलब ये समझते हो जो एमएलए के रिश्तेदार है सब नालायक है, कोई काबिल नहीं है किसी के लिए, यही समझता, नालायक बैठे ना,
इसका मतलब नहीं, कोई उन्होंने ये कहा कि सिफारिश पर नहीं हुआ, हो सकता मेरिट पर तो हुए होंगे, मेरिट पर तो हुए होंगे, सिफारिश पर कह रहा उन्होंने जो कहा। कभी 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 कह देते हैं कि तुम्हारी वो करूं, तुम्हारे सरकार में क्या था, तो मुख्यमंत्री जी एक मेरी भी बात सुन लो, क्या चमन को सींचने में सब कुछ ब्लेम हमारे पे डाल देते हैं, सब कुछ। तो भाई 8 साल आपके हो गए, आपने क्या किया लोगों के लिए, सब कुछ ये इन्होंने के समय में ये था, ये हमारा हमने भर्ती किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भी कहा उस टाइम पॉलिसी क्या थी, कोई भी किसी को भी उठा नहीं, कोई भी उठेगा यही कहेगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सबर की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। अध्यक्ष महोदय, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिवा समुंदर से दूर निकलेगा, उसी का शहर वही मुदई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरे लफज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं एक ही बात कही, भाई गन्ने का भाव तो बढ़ा दो, ये जान इधर उधर ले जा रहे हैं। अब मैं अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि एक हम कमेटी बनाएंगे जो 15 दिन में अपना सब अध्ययन करके, अरे सुन लो जी बुढ़ा सब सुन लो, जो 15 दिन में अपना पूरा अध्ययन करके हमको एक रिपोर्ट पेश करेंगे। मैं हमारे कृषि मंत्री जी और जो गन्ने के विशेषज्ञ हैं उनको साथ जोड़ करके एक जल्दी आज एक कमेटी घोषित करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, और वास्तव में अगर एटपार आया है कुछ थोड़ा बहुत, जैसे पहले हम सब्सिडी देते हैं उतनी नहीं तो कुछ सब्सिडी इसमें घोषित करके कोई एक फार्मूला बना करके, और जल्दी अभी तो एक बार घोषित कर दिया है ताकि किसानों को पेमेंट मिलना शुरू हो जाए, अभी तक जब तक घोषित नहीं था तब तक पेमेंट भी रुकी हुई थी, अब चूंकि घोषित किया है उसकी पेमेंट तो पिछले भाव से मिलना शुरू हो गई है, आगे अगर कोई बढ़ाने की गुंजाइश होगी तो 15 दिन बाद कमेटी रिपोर्ट देके हम बढ़ाएंगे। सिख आस्था का भी एक संस्था है और इसको सिखों के कल्याण के लिए उनके जो गुरुद्वारे हैं उनके रख रखाव के लिए बनाया गया है, और इसकी जो प्रेरणा है वो श्रोमणी कमेटी जो है, ऑल इंडिया एक्ट जो है उसी की मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट जो है वो 1925 में बना था, 1920 में इन गुरुद्वारों पे अंग्रेजों ने मंत्र बैठा दिए, उनको निकालने के लिए हजारों सिखों ने कुर्बानियां दी, तब जाके 1921 में ये गुरुद्वारे आजाद हुए थे, तब से सिखों को इसका रख रखाव मिला। उसके अंदर एक मर्यादा है, मैं आपके माध्यम से सरकार को चिताना चाहता हूं कि इसका सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब के अलावा कोई नहीं हो सकता, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो ऑल इंडिया है
उसका भी सरप्रस्त गुरु ग्रंथ साहब ही है। ये एक्ट जो लाया गया था ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग सिख कम्युनिटी की हमारे स्टेट के अंदर डिमांड थी। मैं ये भी कहने में संकोच नहीं करूंगा, बात पुरानी होगी, कि जब हुड्डा साहब ने इसका इनिशिएटिव किया था तो पंजाब के में सिखों ने एक बहुत बड़ा रिजेंटिंग एटीट्यूड किया था। इतना कुछ भी था कि जो स्टेट के उस समय के सीआईडी के और प्रमुख जो पुलिस के अधिकारी थे वो भी फीडबैक देते थे कि ये मुंह आप हुड्डा साहब चला रहे हैं, बट देयर कैन बी थ्रेट फ्रॉम सर्टन, जिस तरह पंजाब का माहौल है, जिस तरह पंजाब में टेररिस्ट मूवमेंट है या कुछ है, तो हुड्डा साहब ने कहा मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा, ये कानून आएगा। और अल्टीमेटली ये कानून आया। सब इस हाउस के अंदर, ठीक है कि इस सरकार के टाइम भी अब आपको सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा वर्डिक्ट मिला आपके हाथ में, पर इस हाउस को किसी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करना चाहिए कि उसी टाइम उन्होंने बोल्ड स्टेप लेके और इस गुरुद्वारा एक्ट को जो पिछले इतने लंबे समय से हमारी डिमांड थी उसको पूरा किया। इस बात के जिहड़ी कमेटी अडॉप कमेटी असी बनाई है, सानू सर ओहदे ते ऑब्जेक्शन है। लोग कह रहे ने जिन्हां ने लड़ाई लड़ी, जिन्हां ने कहा भी साडा वखरा होना चाहिए एक्ट, साडी वखरी कमेटी होनी चाहिए है, वो लोग कित्थे ने? की गल है भी सरकार ने पूरा क्यों कंट्रोल कर रही है सरकार? सर ऐसा अध्यक्ष कौन है? मेरी अपनी गल है, कोई अलग गल दसो, कोई अलग जिहड़ी उन्होंने कह चुके, जिहड़ी वो गल कह चुके। सर सरकार दा काम है टू फैसिलिटेट, नॉट टू एडमिनिस्ट्रेट। सरकार नू सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी तुहाडा जिहड़ा एक्ट सी वो अपेल्ड हो गया, पटीशन डिसमिस हो गई, तो तुसी चुनाव कराओ। कि हमारी सरकार सिखों के धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में कोई भी दखल देना नहीं चाहती। ये जो हमने एडहॉक कमेटी बनाई, जो आपने एक्ट बनाया था 14/7/2014 को, वो इस बारे में साइलेंट था कि अगर ना चुनाव हुए और 18 महीने भी ऊपर हो गए तो उसका क्या किया जाएगा। उसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। इसलिए ये हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी थी कि हम एक कमेटी बनाते हैं, 18 सदस्य कमेटी बनाते हैं, वो हमने बनाई। और उसके तुरंत बाद चंद दिनों के बाद ही हमने इसके चुनाव कराने के लिए कमिश्नर अपॉइंट किया। आपकी गवर्नमेंट इलेक्टेड है, नहीं है इलेक्टेड बैठे हो ना आप, लोगों ने चुन के भेजे हो ना आपको, नहीं उनको नहीं, आप जो बैठे हैं गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम भी इलेक्टेड हैं, तो इस गवर्नमेंट का पैटर्न कौन है? इलेक्टेड बॉडी बना रहे हो तो पैटर्न की क्या जरूरत है? हुड्डा साहब हमने बनाया ही नहीं कोई पैटर्न ना, हमने किसको बनाया? दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। हमने किसको बनाया? दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। हुड्डा साहब पैटर्न कौन है आपकी सरकार? इलेक्टेड गवर्नमेंट आप हो, हमारा पैटर्न कौन होता है? आपने काम करने दो। हुड्डा साहब हमारी सुनना, हमने कहा बनाया? अगर बनाना होता तो जिस दिन चुनाव हुआ था, जिस दिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बाकी लोग सेक्रेटरी बने थे, उसी दिन हम पैटर्न का भी अनाउंस कर देते। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर, और मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हम इनके धार्मिक मामलों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार उसके करे, हमारे लिए सब बराबर है, जो जीतेंगे हारेंगे सब हमारे बराबर है। मैं सिफारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि विद साहब को इस सरकार का पैटर्न बना लो, आप बना लो। यू इंटरफेयर इन हाउ यू कैन नॉट ऑफ योर कमेटी। चले हो गया। कई बार हमारे हाथ में चीजें नहीं रहती हैं, सरकार के हाथ में भी नहीं रहती हैं। सुन लीजिए,
एक मिनट गीता जी, गीता सुन, जैसे ये जो पिछला कारण बन गया, अब हमने तो 18 महीने के लिए बनाया था उसके अंदर चुनाव हो जाएगा, 18 महीने यानी जैसे ही कमेटी बनी और उसके बाद चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, स्टे लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने में कितने साल लगा दिए, 8-10 साल लग गए, 10 साल में 18 महीने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके अंदर इतना ही है, किसी कारण से मानो 18 महीने के अंदर चुनाव न हुए, चुनाव कराने हैं इलेक्शन कमिश्नर ने, हमने नहीं कराने, नहीं हो पाएगा, फिर एक्ट बनाना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, फिर उसके बाद एक्ट का अमेंडमेंट फिर लाना पड़ेगा, इसलिए नहीं कोई पावर नहीं लेना चाहते। इलेक्शन कमिश्नर अगर इलेक्टेड बॉडी हो जाती है उसके बाद ये रोल खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसका कोई रोल नहीं रहेगा।